तो हेलो भाई लोग, सब लोग कैसे हो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बताएंगे भाई इंडियन मूवी 2 कैसा है। तो देखो यार, ये मूवी देखने के पहले एक चीज बता देता हूँ यार, ये मूवी आप लोग मत देखने जाओ, क्योंकि यार आप इस मूवी के अंदर जो भी पैसा डालने वाले हो आप पानी में चले जाएगा। तो भाई इसलिए मैं एक ही बात यार वार्निंग देना चाहता हूँ, जो लोग कमल हसन का बहुत सारा फैन हो तो आप लोग जाके देख सकते हो, बट यार तुम लोग का पैसा ज़्यादा हो गया है। तो भैया रास्ते में छोटे छोटे कुत्ते हैं भैया, जो लोग मतलब खाने नहीं पाता वो लोग बस इन्वेस्ट करो भाई, अच्छा मन खुश हो जाएगा। बट यार मूवी देखने के बाद आपका खुश नहीं आया होगा आपका दिल, क्योंकि आपको मतलब यार ये मूवी देखने के बाद गाली दोगे भाई कमल हसन के ऊपर। तो भाई ये मूवी का डायरेक्टर है भैया शंकर जी, जिसने मतलब यार बहुत ही अच्छा अच्छा मूवी बनाया है, जो भैया रोबोट बनाया है, बहुत सारे मूवी बनाया है। बट यार ऐसे तरह का मूवी देखने के बाद ना भाई दिमाग पूरा गर्म हो जाता है, क्योंकि यार मूवी के ऊपर मतलब हम लोग बहुत ही अच्छे एक्सपेक्टेशन ले गए थे, बट यार जिधर मैं आया हूँ भाई मूवी देखने के बाद पूरा जीरो फील हो गए थे। और जिधर मैं थिएटर में गए थे भाई, वो लोग मतलब यार एक डेढ़ घंटे के बाद ही सब लोग यार भाग गए थे, क्योंकि यार क्या ही बताएंगे भाई, मूवी इतना मतलब बोरिंग था। और उस घर में मतलब यार देखो यार मैंने तो यार मूवी ऊपर रिव्यू देखूंगा, इसलिए मैं तो यार मैं इसी का ठंडी हवा खाते खाते मूवी को टोटल कंप्लीट किया हूँ। तो इंडियन 2 मूवी के भाई ये लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन था भाई इंडियन 3 मूवी के लिए, तो भाई उस धर्म में तो यार अच्छा लगा था। बट यार ये इंडियन 2 मूवी क्यों लेके आया हूँ मेरे को वो यार मालूम नहीं है, क्योंकि यार इधर में जो शंकर जी भाई इसके अंदर भाई काम किया है ना भाई, पूरा ओल्ड एज लुक दिया है पूरा मूवी के अंदर। जो लोग मतलब यार यंग जनरेशन तो भैया मूवी को देखने के बाद यार सब लोग थूक मारेगा और ऐसे तरह का मतलब फील आएगा भाई, पूरा ओल्ड एज जाएगा, क्योंकि यार इसके अंदर भैया 1960 का जो मूवी आए थे भाई इंडियन मूवी, उसका मतलब यार जो लास्ट पार्ट्स के ही मतलब ये मूवी शुरू हो जाता है इंडियन 2 मूवी। तो भाई इधर में मतलब सुपरस्टार तो हमारा जो सेनापति जी है, जो भैया बहुत ही एक प्रॉब्लम में सब लोग जा रहे थे भाई, एक जमाना चल रहा है भाई बहुत ही इंडियन के अंदर करप्शन बढ़ गया भाई, सब लोग घूसखोरी कर रहे थे भैया, दहेज दे रहे थे भैया, बहुत मतलब यार गिल्टी फील हो रहे थे उधर में, लोग मतलब सुसाइड कर रहे थे। और उधर में मतलब यार हमारा जो इंडियन सेनापति भैया इसके ऊपर मतलब यार रिएक्ट करके भैया सब लोगों को बचाने आ जाता है भैया, मतलब यार आप लोग बोल सकते हैं मसीहा आ जाएगा। बट यार जब भी मतलब यार हमारा सेनापति जी आता है ना उतना बस फील नहीं आता है, बट इसके अंदर जो भी मतलब एक्शन दिखाता है ना आप लोग यार हंसते हंसते पेट फट सकता है। तो इधर में हमारा कमल हसन जी भैया हाथों से सब लोग मार रहे थे, तो भाई साइंटिफिक तरीका मतलब क्या है भाई मेरे को यार मालूम नहीं है, बट यार ऐसे तरह का मतलब यार सब लोग उंगली से मार दे रहे हैं भाई, ऐसे तरह का मर जा रहे हैं सब लोग यार नस फट के। तो भाई ये चीज मेरे को यार दिमाग से मतलब बाहर हो गए थे भाई, लोग ऐसे करके मर जाते हैं क्या। और भाई इसके अंदर भाई जो इमोशनल भाई इसके अंदर क्रिएट किया था भाई उतना मतलब इमोशनल फील आपको नहीं आएगा भाई, एंटरटेनमेंट भी भाई उतना भाई ओके ओके चीज ऐसे ही आएगा। और इस मूवी का अंदर भैया 150 करोड़ लगाया है भाई, तो फर्स्ट दिन में जो इसका मूवी का जो इनकम है भैया 1 करोड़। अरे मूवी बताइए यार पूरा सुपर फ्लॉप जाने वाला है, क्योंकि यार इसके अंदर भैया पूरा मतलब फालतू का मतलब यार 3 घंटा मतलब हम लोगों को बैठा के रखा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा ओल्डिंग मतलब यार सब फील आ रहे थे भाई। तो भाई इसलिए मतलब यार मूवी का मतलब यार पूरा हाइप ही मतलब यार खराब हो चुका है। ऐसे तरह का मूवी बताइए यार हम लोग यार सोच रहे थे भाई कमल हसन का मूवी तो बहुत अच्छा होगा, बट यार पूरा घंटा मतलब दिया है हम लोगों के सामने भाई। यार वो वीडियो अच्छे लगे थे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आप लोग मतलब ये मूवी को मत देखने जाओ, पैसा ज़्यादा हो गए तो भैया को दान ध्यान कर देना, बट मूवी मत देखना जाना।